हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लैनेटरी कंडीशंस, कुछ ऐसे प्लैनेटरी कंजंक्शंस और कुछ ऐसे योग के बारे में बता रही हूं जो आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत नेसेसरी हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कैरियर को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें 10th हाउस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो जो हमारा कैरियर है कि हमें किस तरह का कैरियर लेना चाहिए, उसी से आगे उसी सीरीज में एक हिसाब से आप ये सोच लीजिए कि मैं आपको बता रही हूं कि क्या आपकी कुंडली में गवर्नमेंट की सर्विस का योग है, क्या आप आईएएस आईपीएस आईएफएस या आईआरएस बन सकते हैं या जज बन सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। चलिए बात करते हैं हम प्लैनेट्स कौन कौन से नेसेसरी हैं। प्लैनेट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं इसके लिए सन है, क्योंकि सन एडमिनिस्ट्रेशन देता है, लीडरशिप देता है, एक पावर में रहने की ताकत देता है। तो सन का अच्छा होना, सन की अच्छी प्रेजेंस होना, या एग्जॉल्टेड हो या फिर बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो, या अपने किसी मित्र के घर में हो या केंद्र के हाउसेस में हो, फर्स्ट फोर सेवेंथ और टेंथ में हो, या इसका रिलेशन टेंथ के साथ बनता हो, तो ऐसी कंडीशन में सन जो है आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लेसमेंट में जरूर डालेगा और ये आईएएस के लिए भी बहुत ही अच्छा एक योग है। साथ ही साथ अगर आप और प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो मून, क्योंकि मून भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड है, और फिर जुपिटर, जुपिटर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज है, हमारी पावर्स हैं जो हमारे माइंड की पावर्स हैं। अच्छा, और साथ साथ मरकरी, क्योंकि जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके लिए इस तरह की पोजीशन को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ मरकरी इंटेलिजेंस देता है, इंटेलिजेंस का देता है। अब प्लैनेट ऐसा है मरकरी कि वो इंटेलिजेंस देता है, कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो वो भी देगा। अब इंटेलिजेंट लोग ही इस एक कठिन परीक्षा को पास करेंगे। तो मरकरी की प्रेजेंस और मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, एग्जॉल्टेड हो या किसी कंजंक्शन में हो, जो आगे मैं आपको बताती रहूंगी जिन हाउसेस की कंजंक्शन है। तो प्लैनेट्स हमने देख लिए, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, और इसके साथ सैटर्न में मैं जरूर ऐड करूंगी। मार्स और सैटर्न को ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्स हमें करेज देता है, हमेशा फाइट करने की करेज देता है, जो कि आईपीएस के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, जजशिप के लिए जरूरी है, लॉ के लिए जरूरी है, क्योंकि मार्स के बिना हमें आईएएस के लिए भी बहुत हद तक मैंने देखा है बहुत ज्यादा मार्स जो है वो इम्पैक्ट देता है, क्योंकि मार्स हमें करेज देगा। अब सैटर्न इसलिए क्योंकि सैटर्न हमें मास के साथ जोड़ता है, एक सर्व करने की फीलिंग देता है। तो जब आपके अंदर एक फीलिंग है टू सर्व अदर्स, मास कम्युनिकेट करना या मास के साथ जुड़ना, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना, सैटर्न की एक एक खूबी रही है। तो ये प्लैनेट जो है वो मेजर प्लैनेट है और कैरियर के हाउस के साथ यानी कि 10th हाउस के साथ इनमें से कोई ना कोई ये रिलेशन डेवलप करते हो, कोई ना कोई इनका आपस में रिलेशन हो 10th हाउस के साथ, या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ इनका कोई रिलेशन हो या एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत ही ज्यादा एक इजी भी है और बहुत ज्यादा आपके लिए योग बन जाता है इस तरह का होने का। तो ये तो थे प्लैनेट्स जो बहुत नेसेसरी हैं, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और मार्स। अब मैं इसमें इसलिए बार बार आपको बोल रही हूं कि मार्स की इम्पोर्टेंस और सैटर्न की इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बता रही हूं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउसेस की। अगर हम हाउसेस की बात करें तो हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस, क्योंकि लगन का हाउस है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब लगन अगर नहीं ठीक होगा तो लगन तो परेशानी दे देगा। लगन का हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस केंद्र के सारे हाउसेज ही और त्रिकोण के हाउसेज में बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। फिर भी हाउसेज में मेन फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस,
टेंथ हाउस। इलेवंथ हाउस को हम कभी कभी कंसीडर जरूर करते हैं क्योंकि ये हमें लग्जरी, पैसा, कम्युनिकेशन और फ्रेंड्स देता है, तो एक एक हिसाब से लॉन्ग टर्म उसके लिए जरूरी है। लेकिन फर्स्ट हाउस जो है लगन है। अब लगन क्यों जरूरी है? लगन क्योंकि आपका अपनी आत्मा है, आप जो हैं वो रिप्रेजेंट ही फर्स्ट हाउस से होता है। तो जो हम हैं वो फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रांग होना, इसकी स्ट्रांग प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। या लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, एग्जॉल्टेड हो, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है इसके लिए। बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की, थर्ड हाउस की, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, करेज का भाव है, इससे भी बहुत चीजें जो हैं वो सॉल्व होती हैं। फिफ्थ हाउस क्योंकि इंटेलिजेंस का हाउस है और पढ़ाई का एक हिसाब से घर मानते हैं। सिक्स्थ हाउस इसलिए क्योंकि कैरियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, नौकरी का ये घर ही है। तो इसका लॉर्ड अगर कहीं अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, लगन में है, मूल त्रिकोण में है, तो ये बहुत ज्यादा आपका मतलब फर्स्ट 1, 4, 7, 10th में है, या फर्स्ट में है, या फिफ्थ में है, या नाइन्थ में है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका जो या एस्पेक्ट कर रहा है लॉर्ड, तो बहुत ज्यादा इसका असर आएगा। सिक्स हाउस मैंने बता दिया आपको कि हाउस ऑफ सर्विस है। फिफ्थ हाउस में लर्निंग है, इंटेलिजेंस है। फर्स्ट हाउस तो आपकी आत्मा ही है एक हिसाब से, जो आप हैं। सेवेंथ हाउस जो है वो हमें हाई पोजीशन देता है क्योंकि लगन को सीधे से देखता है, तो हाई पोजीशन का हाउस है, इसलिए वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस जो है वो हमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है क्योंकि इसका लॉर्ड जो एक्चुअल लॉर्ड है वो तो जुपिटर ही है, तो वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर देता है। टेंथ हाउस कैरियर का हाउस है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ में इलेवंथ हाउस क्योंकि गवर्नमेंट के फाइनेंस के साथ आप डील करें या फाइनेंशियल चीजों के बारे में हो बात, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आता है। तो अब ये बेसिक हो गया कि हमारे कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस को हम थोड़ा सा मतलब इस तरह से लेते हैं क्योंकि फाइनेंसिस से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे ले लेते हैं। अच्छा, अब कुछ जोडिक साइंस हैं जो लगन के असेंडेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा इसमें देखे गए हैं कि बहुत ज्यादा आपको पावर देते हैं, जिसमें एक्वेरियस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ये बहुत ज्यादा, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा, सैजिटेरियस भी इसमें, तो ये तीन बहुत ज्यादा मेन हाउसेस हैं। और वर्गो भी इसमें बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो ये तीन चार चीजें हैं। बहुत सारे आईएएस मैंने कैंसेरियंस भी देखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अगर आप एरीज असेंडेंट के हैं, अगर आप कैंसेरियन असेंडेंट के हैं, अगर आप लियो असेंडेंट के हैं, अगर आप एक्वेरियस हैं, वही सारे प्लैनेट्स के जो असेंडेंट्स हैं, मरकरी क्या हो गया, वीनस, तो जो प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के असेंडेंट्स जो हैं अगर आप आ जाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छे योग बनाते हैं। इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि लॉर्ड जो हैं अगर अच्छे से प्लेस्ड हैं और इनकी प्लेसमेंट का रिलेशन है आपस में, जैसे फर्स्ट का टेंथ के साथ है और टेंथ लॉर्ड का कहीं थर्ड वाले के साथ है या सिक्स्थ के साथ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपस में हाउसेस का और लॉर्ड्स का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह के भी बताना चाहती हूं कि जो बहुत ज्यादा देखे गए हैं, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस, अगर ये एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में बैठे हैं, या इफ दे सिटिंग टुगेदर इन कंजंक्शन, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा योग बनता है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए या आईआरएस के लिए। ये बहुत ही अच्छा, सिविल सर्विसेज के लिए ये योग बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आपका लगन लॉर्ड सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है या सैटर्न है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है।
और फिर कुछ इस तरह के योग भी हैं, जैसे बुद्ध आदित्य योग है, हालांकि बहुत कॉमनली अवेलेबल या बहुत कॉमनली प्लेस्ड योग है जो बहुत ज्यादा लोगों में मिलता है, बट अगर ये बुद्ध आदित्य योग है तो ये बहुत अच्छा आंसर देगा। अगर गज केसरी योग है जिसमें कि मून और जो जुपिटर है या तो कंजंक्शन में बैठे हैं या ये एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं फोर्थ या टेंथ दृष्टि देकर, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, उच्च और कुछ इस तरह के योग भी हैं जैसे पंच महापुरुष योग है, जो पांच तरह के पंच महापुरुष योग हैं, चाहे रुचक हो गया, हंस हो गया, मलव्य हो गया, भद्र हो गया और शश योग है। ये जितने पांच के पांच योग हैं जो कि पंच महापुरुष योग में आते हैं, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। इसके बाद अगर नाइन्थ हाउस आपका स्ट्रांग है बहुत, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का हाउस है, नाइन्थ हाउस का रिलेशन टेंथ हाउस के साथ है और ये दोनों लॉर्ड ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ इकट्ठे बैठे हैं, या लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस इलेवंथ में बैठा है, टेंथ इलेवंथ में बैठा है या नाइन्थ टेंथ में बैठा है, इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन है तो ये भी बहुत ही अच्छा योग बनाता है आईएएस के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। आपको मैं यहां पर एक मेंशन और जरूर करना चाहती हूं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये योग जो है, ये जनरल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ, नाइन्थ, टेंथ और इलेवंथ हाउस जो है, इसमें अगर प्लेसमेंट है अच्छे प्लैनर्स की और इनके लॉर्ड्स अच्छे से प्लेस्ड हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ या दे आर सिटिंग टुगेदर, तो ये बहुत ही अच्छे योग बनाता है गवर्नमेंट जॉब के। और अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप मार्स, सैटर्न और जुपिटर को जरूर देखेंगे ढंग से, क्योंकि मार्स, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न जजमेंट का है, जुपिटर जजमेंट का है और साथ में मार्स जो है वो आपको करेज देता है, बोलने की ताकत देता है, फाइट करने की ताकत देता है, एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, लॉ को इन्फोर्स कराने की ताकत देता है। तो लॉ एनफोर्समेंट वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो भी पुलिस में है, तो उनके लिए मार्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, या टेंथ हाउस उनका मार्स से रिलेटेड होना चाहिए या लगन पे मार्स होना चाहिए, तो जिस हिसाब से बहुत ही अच्छा इनका ये योग बनता है। और अब मैं यहां पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूं कि जैसे राजयोग हो और मूल त्रिकोण के साथ हो, या फिर जैसे कि मैंने बताया था कि केंद्र त्रिकोण में राजयोग हो, केंद्र त्रिकोण क्या होता है कि जैसे आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस, ये केंद्र के हाउसेज हैं, इनके लॉर्ड्स किनके साथ एस्पेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के साथ, अगर ये हाउसेज में से कोई भी आपस में एस्पेक्ट कर रहे हैं या कंजंक्शन में बैठे हैं या बहुत सॉलिड एग्जॉल्टेड पोजीशंस पे बैठे हैं, तो ये एक हिसाब से राजयोग डेवलप करते हैं। और ये जो राजयोग है वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो ये एक हिसाब से कुछ नक्षत्र भी जरूर मैं मेंशन करूंगी कि जो नक्षत्र हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए कोई भी ऐसा लगन लॉर्ड अगर बहुत ही सॉलिड एग्जॉल्टेड बैठा है और अपने नक्षत्र में बैठा है या अपने एग्जॉल्टेड प्लेस पे बैठा है, तो वो जरूर आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा और आपको पूरा आखिर तक ले जाने में उसकी एक मदद जरूर मिलेगी आपको। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जैसे रेवती नक्षत्र है। अब देखिए नक्षत्र वही है, पूर्वा फाल्गुनी हो, उत्तरा फाल्गुनी हो, रेवती हो, मघ हो, ये इम्पोर्टेंट नक्षत्र हैं, क्योंकि ये नक्षत्र जो हैं वो एक हिसाब से इंटेलिजेंस देते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं, फाइट करने की ताकत देते हैं, करेज देते हैं और जो भी इंडिविजुअल है उसको ये सब पावर मिलती है। एक मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि मून का, वीनस का, मरकरी का और जुपिटर का, जो कि सौम्य ग्रह हैं, पाप ग्रह नहीं है, ये चार जो ग्रह हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और इनकी प्लेसमेंट सिक्स, सेवन्थ या एट्थ में है, या आपस में इनके आपस में एक दूसरे से सिक्स, सेवन्थ या एट्थ में बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी, जैसे अगर मान लो मून की कुंडली है आपकी, चंद्र कुंडली है, उसमें मून से अगर आप सेवन्थ या सिक्स या एट्थ की प्लेसमेंट पे कोई प्लैनेट्स हैं
और स्पेशली मरकरी है, जुपिटर है और मून के साथ वीनस है, तो ये जो प्लेसमेंट है ये भी बहुत ज्यादा सिविल सर्विसेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है, और ना केवल सिविल सर्विस के लिए, ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया है वो उसमें गवर्नमेंट जॉब भी बहुत हद तक है, पर सिविल सर्विसेज के लिए ये मेन योग है जिसमें सन की प्रेजेंस जरूरी है, मून की प्रेजेंस का है, मार्स है, सैटर्न है, मरकरी है, जुपिटर है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देता है, ये हायर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। तो जिन लोगों के या जिन बच्चों के इस तरह के योग हैं तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आप अपनी प्लैनेट्स को एक बार एनालाइज करवाइए, आप मुझसे भी करवा सकते हैं बट अदरवाइज भी कराइए, और ये एनालिसिस करने के बाद आप इस तरह की कोशिश के बारे में सोचिए और जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी जो लाइफ है उसे पूर्ण रूप से जिए और सक्सेसफुल हो और सर्व भी करें, जो कि एक बहुत नेसेसिटी है टू सर्व ह्यूमैनिटी। जो भी अगर आप काम करें, अगर आप उसमें सर्विंग ऐड करते हैं तो ये एक हिसाब से बहुत ही डिवाइन बात हो जाती है, डिवाइन फीलिंग हो जाती है, जो आपको बहुत आगे हद तक सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा एनालिसिस आईएएस आईपीएस आईएफएस या आईआरएस और सिविल सर्विसेज, साथ में जजमेंट और लॉयर्स के लिए, गुड लॉयर्स के लिए। तो मैं आगे भी आपको डिटेल में ये बताती रहूंगी। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।